सुजानपुर टीरा में नागरिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के रिक्त पद होने के कारण तीन जिलों से आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग अपनी बीमारी का उपचार करवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े देखे जा सकते हैं, जिसमें लगभग 300 रोगी प्रतिदिन यहां उपचार करवाने आते हैं। ये बात स्थानीय विधायक एवं पूर्व आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने नागरिक स्वास्थ्य उप केंद्र के औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार 15 दिनों के भीतर सुजानपुर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों के पद भरने में असमर्थ दिखती है तो राजेंद्र राणा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशी हारे हुए हैं उन क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लगा देनी चाहिए, क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों में डॉक्टरों के पद भरने में असमर्थ दिख रही है। ये है कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने मुझे शिकायतें करी है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, और आज मैंने पूरा निरीक्षण किया है, लगभग 11 पद जो हैं सुजानपुर ब्लॉक में खाली कर दिए गए हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस की राजा वीरभद्र के नेतृत्व में सरकार थी तो पूरे के पूरे पद भरे हुए थे डॉक्टरों के, और आज 3 पद जो है इस हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में खाली है, क्योंकि ये सिविल हॉस्पिटल जो है कांगड़ा और मंडी को भी पूरा फीड करता है। एक डॉक्टर के हवाले 300-400 पेशेंट जो है वो ओपीडी हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, और वहीं पर जंगलबेरी के दोनों डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, गुप्पर के दोनों डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी है, पटलांदर में खाली पड़ी है, चौरी में खाली पड़ी है, चबूतरा में खाली पड़ी है। इसलिए लगता है कि प्रदेश में और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा जो है पूरी तरह चरपर आ गई है, और डॉक्टर सरकार जो है इसको लेकर पूरी सीरियस नहीं है, और डॉक्टरों के तबादले किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल खाली किए जा रहे हैं। ऐसा तो लगता है कि सरकार को ऐसे क्षेत्रों में जहां अपोजिशन के एमएलए हैं वहां पर ताले लगा देना चाहिए हॉस्पिटलों में। हमने कहा है कि सरकार, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई है सवेरे कि भाई ऐसे ऐसे लोग जो है समस्या से जूझ रहे हैं, और 15 दिनों के अंदर अंदर सरकार इस समस्या का हल करे, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को मुसीबत आती है और उसको कोई समस्या होती है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नजर आता है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में दूर दराज दूसरे प्रदेशों में लोग इतना पैसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को ये गंभीर समस्या है और सरकार को तुरंत हल करना चाहिए। सरकार नहीं करती तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, और डॉक्टरों के पद जो खाली पड़े हैं सरकार इसको तुरंत भरे, ऐसी हम मांग करते हैं, वरना लोग भी और हम लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को प्रदर्शन करके, उसका विरोध करके, उसका पूरी तरह जो है वो डटकर विरोध किया है। सुजानपुर टीरा में कूड़े की समस्या के लिए राणा ने सरकार व अफसरशाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों ने समय पर एनजीटी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिस कारण पूरे शहर में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। राणा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के आते ही कांग्रेस कार्यकाल में किए गए कार्य रोक दिए गए हैं, जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुजानपुर टीरा में सब्जी मंडी बनकर तैयार है, लेकिन सरकार के सुस्त रवैये के कारण लोकार्पण नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को महंगी सब्जियां बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। यहां का प्रशासन भी पूरी तरह फेल हो गया और नगर परिषद तो पूरी तरह फेल हो गई है। ये सरकार की और प्रशासन की और नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि यहां से कूड़े को उठाया जाए, जहां लोग विरोध कर रहे हैं। जब तक कोई हल नहीं होता है तो हमीरपुर में जो सॉलिड वेस्ट में प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर इस कूड़े को ले जाएं, और कोई ऐसी जगह देखें जहाँ आबादी से दूर जो है वो सॉलिड वेस्ट में प्लांट जो है लगाया जाए, जहाँ कूड़े का प्रावधान किया जाए, जहाँ लोगों को आपत्ति ना हो, आबादी से दूर हो, ताकि लोगों को, क्योंकि जहाँ कूड़ा फेंका जाता है बदबू आती है वहाँ नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार कोई सरकारी जमीन का चयनित करे और जहाँ से लोगों के घर ना हो, दूर दराज कहीं क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की जाए, और जब तक नहीं होती है तो इस कूड़े को उठाए, ये सरकार की जिम्मेदारी। पूरे सुजानपुर में कूड़ा यहाँ पर लोगों के घरों के सामने पड़ा हुआ है, गंदगी का आलम फैला हुआ है, ये किसने उठाना है? सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, और नगर परिषद पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार की और प्रशासन की पूरी तरह फेलर है। इस ये होली फेस्टिवल जो है यहाँ से करोड़ों रुपया जो है सरकार जो है वो मेले के लिए जो है लोगों से इकट्ठा किया जाता है, और इनके लिए 1 लाख रुपया, 20,000-50,000 रुपया इसकी सफाई करने के लिए ये लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं।
ये बिल्कुल जो है प्रशासन का पूरी तरह फेल है। गति तो दिख नहीं रही, पर जो प्रोजेक्ट जो है, जो पैसा पिछली सरकार ने स्वीकृत किया है और जो प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए गए थे, उनको भी ठंडे बस्ते में डाला गया है। और ये जो लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 2019 में इसका जो सबक है, लोग पूरी तरह सिखाएंगे इनको।